तो आज हम पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले छोटा ओ की मात्रा के शब्द, ठीक है? बीच वाले अक्षर में छोटा ओ की मात्रा लगाकर, मतलब कि बीच वाले अक्षर में छोटा ओ की मात्रा लगी होगी उसमें ऊ ऐसे बोलना है, ठीक है? आ तू ल, अतुल। आ पू न, अपुन। आ बू ल, अबुल। आ मू क, अमुक। अन जू ल, अंजुल। आ रू ण, अरुण। आ नू ज, अनुज। आ सु भ, अशुभ। अंग कु स, अंकुश। अंग गु ल, अंगुल। अन सु ल, अंशुल। आ सुर, असुर। का रू ण, करुण। आ रू न, अरुण। गा रू ण, गरुड़। चा तू र, चतुर। चा हू र, चहुर। धा नू स, धनुष। ना कू ल, नकुल। बा टू क, बटुक। म धू र, मधुर। सा गु ल, सगुण। सा गु न, सगुन। वा रु ण, वरुण। ता रु न, तरुण। ठीक है? Yes, सबको समझ में आ गया? Yes, अब हम पूछे? ठीक yes, है। आ तू ल, क्या हो गया? आ पू न, क्या हो गया? आ बू ल, क्या हो गया? आ मू क, क्या हो गया? अन जू ल, क्या हो गया? आ रू ण, क्या हो गया? आ नू ज, क्या हो गया? आ सु भ, क्या हो गया? अंग कु स, क्या हो गया? अंग गु ल, क्या हो गया? अन सु ल, क्या हो गया? आ सु र, क्या हो गया? का रु ण, क्या हो गया? आ रु न, क्या हो गया? गा रु ण, क्या हो गया? चा तू र, क्या हो गया? चा हू र, क्या हो गया? धा नू स, क्या हो गया? ना कू ल, क्या हो गया? बा टू क, क्या हो गया? मा धू र, क्या हो गया? सा
गू ण क्या हो गया सा गू न क्या हो गया वा रू ण क्या हो गया ता रू न क्या हो गया ठीक है आ गया सबको समझ में ठीक है। इसके पहले की वीडियो पहले से ही हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।